महातूफान को लेकर के पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे डरावनी खबर निकल कर आ चुकी है। जी हां, बता दें कि अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में अभी अभी 8000 लोगों को बाहर निकाला गया है। जी हां, बता दें आपको कि 300 से ज़्यादा गांवों को खाली कराया गया है। और वहीं खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान में अभी अभी आए बीपर जॉय नामक महातूफान ने पूरे के पूरे कराची को घेर लिया है। यही नहीं, पाकिस्तान के लगभग 300 से ज़्यादा गाँव डूब चुके हैं। वहाँ पर देखा जाए तो चारों तरफ बस घर पानी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर खड़ी हुई गाड़ियाँ पानी में बहने लगी हैं और कुछ तो हवा में ही उड़ गए, क्योंकि देखो महातूफान इतना ज़्यादा भयानक है और इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसकी वजह से पूरे के पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान जहां एक तरफ TPP के हमले का बोझ नहीं सह पा रहा है, दूसरी तरफ प्रकृति की मार ने पाकिस्तान को तबाह कर रखा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर आया यह महातूफान पाकिस्तान को और भी ज़्यादा इसके प्रति सचेत इसलिए कर देता है क्योंकि जिस जगह पर यह महातूफान आया है उस जगह पर चाइना के जो इंजीनियर हैं उन्होंने सड़कों को, डैम को और नहर नालों का निर्माण कराया है, जिसकी वजह से वो नहर नाले महातूफान के द्वारा लाए गए बाढ़ के पानी को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पा रहे हैं और जगह जगह पर ब्लॉक हो जा रहे हैं। इसी कारण महातूफान पाकिस्तान में कई हज़ारों की जान।